नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। हम ऐसे 4-4 करके गिने तो लास्ट में 3 फंदे आने चाहिए। तो मैंने सिलाई में 15 फंदे लिए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये हमारा एज स्टिच है। अब यहाँ से पैटर्न चालू होता है, तो 3 फंदे हम उल्टा बनाएंगे और चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे और धागे को ऐसे ऊपर से घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है, 3 फंदों को उल्टा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है, धागे को घुमाकर वापस अपनी तरफ लाना है। 3 फंदा उल्टा बुनना है, चौथा फंदा स्लिप करना है, धागे को घुमाकर वापस अपनी तरफ लाना है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो एक फंदा उल्टा बना लेंगे और दूसरा फंदा लास्ट फंदा है, एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब ये फंदा हमने स्लिप किया था, तो इसे भी उल्टा बना लेंगे और ये जो धागा हमने ऊपर से लिया था वापस इसे स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3 और चौथा फंदा ये स्लिप किया हुआ फंदा, 4 और धागे को ये जिसे हमने ऊपर से लिया था इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3 और चौथा फंदा स्लिप किया हुआ फंदा, धागे को स्लिप कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। अब हम अपने मेन कलर से सभी फंदे सीधे बनाएंगे। तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बनाने हैं और इस धागे को वापस हम स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा सीधा और स्लिप किए हुए धागे को वापस स्लिप करना है। फिर 4 फंदा सीधा और स्लिप किए हुए धागे को स्लिप करना है। लास्ट में 3 फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बना लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड। चौथी लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए धागे को वापस स्लिप कर लेना है। सभी फंदों को उल्टा बनेंगे और स्लिप किए हुए धागे को स्लिप कर लेंगे। पांचवी लाइन में फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लिया, ऊन अपनी ओर किया, अगला फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, वापस ऊन चढ़ा के अपनी ओर लाएंगे और अगला फंदा उल्टा। अब देखिए, नेक्स्ट फंदे को इस धागे के साथ हम बुनेंगे, यानी धागे को भी ले लिया और अगले फंदे को भी, दोनों को एक साथ लेके हम उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा। अब अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे,
यानी हमारा चार का पैटर्न शुरू हो गया। अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन चढ़ा के वापस अपनी ओर लाएंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा भी उल्टा, लेकिन धागे के साथ लेते हुए तब उल्टा बुनेंगे। तो ये दो हुआ, तीन, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन चढ़ा के वापस अपनी ओर लाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, दूसरा फंदा धागे के साथ, दो, तीन, आखिरी फंद एज इट इज है, इसे हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदा हम उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे और इस धागे को हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप किए हुए धागे को स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, धागे को स्लिप कर लेंगे, चार फंदा उल्टा बुनेंगे और ये चार, धागे को स्लिप कर लेंगे, लास्ट में दो फंदा आएगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदा सीधा बुनेंगे और धागे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदा सीधा, और धागे को स्लिप कर लेंगे, चार फंदा सीधा, धागे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए धागे को वापस स्लिप कर लेंगे। नाइन्थ रो में हम फिर अपना पहला लाइन दोहराएंगे, यानी पहला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा उल्टा लेकिन धागे को साथ लेके, तो ये दो हुआ, अगला फंदा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को चढ़ा के वापस अपनी ओर लाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, ये दो, तीन, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक, दोनों को एक साथ लेते हुए दो, तीन, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को चढ़ा के वापस अपनी ओर लाएंगे, अगला फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे हम उल्टा बना लेंगे, स्लिप किए हुए धागे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, लेकिन ये चढ़ाए हुए धागे को हम स्लिप कर लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, लेकिन चढ़ाए हुए धागे को हम वापस स्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बन के तैयार है। देखिए, इसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।